नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उनको लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सही और सटीक जानकारी लेकर के आया हूँ, और वो ये है कि शीशम, आपने देखा होगा, शीशम एक पेड़ होता है, उसके पत्तों का जूस पीने से क्या फायदा होता है? शीशम आपके आसपास, घर के आसपास या खेतों में, या फिर आप जहाँ रहते हैं उसके कुछ ही दूरी पर आपको शीशम के पेड़ पूरे भारतवर्ष में मिल जाएंगे, तो उसके पत्तों का जूस पीने से क्या फायदे होंगे? मित्रों, जानकारी बहुत सटीक और सही जानकारी है, और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट अब आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए मित्रों, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए, बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जिन लोगों को गर्मी बहुत लगती है, शरीर में बहुत हीट, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, और उस पसीने की दुर्गंध भी आ रही, बदबू भी आ रही है, ऐसे लोगों को शीशम के पत्तों का रस पीना चाहिए। अब ये कैसे पीना है वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये हुई बात कि जिन लोगों को गर्मी बहुत लगती है, शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिक शरीर होता जा रहा है, पसीना बहुत आ रहा है और उस पसीने में बदबू आ रही है, ऐसे लोगों को शीशम के पत्तों का रस पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए। दूसरा इसका बेनिफिट यह है कि जिन माताओं बहनों को व्हाइट डिस्चार्ज की शिकायत है, श्वेत प्रदर की शिकायत है, जिसको सफेद पानी जाना भी कह सकते हैं यूरिन के साथ में, अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उन माताओं बहनों को भी शीशम के पत्तों का रस पीना चाहिए। दूसरी बात, जिन पुरुषों को, नौजवानों को, युवाओं को, लड़कों को अगर प्रमेह की शिकायत है, उनके भी यूरिन के साथ में अगर सफेद व्हाइट जो डिस्चार्ज होता है अगर वो हो रहा है, तो उनको भी शीशम के पत्तों का रस पीना चाहिए। इसके साथ साथ शरीर में अगर माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग की शिकायत हो रही है, या फिर किसी भी वजह से शरीर से ओवर ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको शीशम के पत्ते का रस पीना है। अब ये कैसे पीना है आइए देखते हैं। मित्रों, घर के आसपास ही, कहीं पार्क में, कहीं खेतों पर आपको शीशम के पेड़ मिल जाएंगे। आप उन शीशम के पेड़ से तकरीबन 7-8 पत्ते आप लेकर के आइए, उनको अच्छे से धो करके साफ कर लीजिए, फिर आप उन पत्तों का जूस बनाइए, और उस जूस में आपको 1 से 2 चम्मच आपको मिश्री मिलानी है, जो धागे वाली, जो खड़ी मिश्री, जो खड़ी शक्कर कहते हैं, जिसको धागे वाली मिश्री आती है, आपको वो उसमें मिलाना है, 1 से 2 चम्मच मिलाना है और उसका सेवन करना है। याद रहे दोस्तों, मैं चीनी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको चीनी जो शक्कर हम लोग काम लेते हैं वो नहीं मिलाना है, आपको मिश्री मिलानी है उसमें। ये तो हुआ तरीका कि जूस बनाना है और उसमें मिश्री मिला करके आपको पीना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर सर्दियों का मौसम है, बहुत ज्यादा बाहर ठंड है, मौसम बहुत ठंडा है, तब आपको, क्योंकि ये शीशम के पत्ते पहले से ही प्रकृति में बहुत शीतल होते हैं, बहुत शरीर में ठंडक करेंगे, आपकी शरीर की जितनी भी गर्मी है उसको दूर करेंगे। माताओं बहनों को जी ये व्हाइट डिस्चार्ज, पुरुषों को प्रमेह, बार बार ज्यादा पसीना आना, शरीर में एसिड बढ़ गया है, उन सब प्रकार के जो गर्मी से होने वाले रोग हैं, इसको शांत करेंगे, संतुलित करेंगे। तो याद रहे मित्रों, शीशम के पत्तों का रस प्रकृति में बहुत शीतल है, बहुत ठंडा है, और उसमें आपने मिश्री मिलाई तो ये और ज्यादा ठंडा हो गया। तो आपको एक सावधानी रखनी है, अगर मौसम ठंडा है बाहर, या फिर सर्दी का मौसम है, तब आपको शीशम के पत्तों के उस जूस में, जो हमने वीडियो में पहले देखा, उसमें काली मिर्च का जरूर मिला दीजिए, 3-4 काली मिर्च आप उसमें, या 2 से 3 ही मिला दीजिए। काली मिर्च को बारीक कूट करके, हल्का सा उसका पाउडर बना करके आप उसमें काली मिर्च डाल सकते हैं। काली मिर्च डालने से वो आपको कफ कोल्ड नहीं करेगा, आपको, आपका कफ नहीं बढ़ाएगा, आपको सर्दी जुकाम की शिकायत नहीं होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर मौसम ठंडा है तो फिर आपको ये काली मिर्च मिलानी पड़ेगी, या फिर आपको, आपकी प्रकृति ही कफ प्रकृति, आपके शरीर में बहुत आपको एलर्जी, साइनस, नजला, जुखाम
और फेफड़ों में, गले में खराश रहना, कफ की प्रॉब्लम है आपको, तो फिर मेरा आपको यही जो सलाह रहेगी कि आप इसका सेवन नहीं करें। क्योंकि अगर पहले से ही कफ बन रहा है, ऊपर से आपने इतनी शीतल और ठंडा आपने ये शीशम के पत्तों का जूस मिश्री मिला करके पी लिया, तो आपको और हो सकता है ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, कफ की रिलेटेड आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आप जो साधारण समय में आप इसका सेवन कर सकते हैं, बाहर सर्दी है तो फिर आप काली मिर्च जरूर मिला दीजिए। इससे क्या होगा कि जो कफ दोष है वो बढ़ेगा नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना, इस सावधानी को रखते हुए आपको शीशम के पत्तों का जूस पीना है। और ये जो सारे फायदे हैं, ये आप स्वयं इसका प्रयोग करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ, शीशम के पत्ते का बहुत अचूक और सही फायदा मिलता है। अक्सीर रामबाण फायदा कह सकते हैं इसको, ये हमको मिलता है। मित्रों, ये हमारे एक ऋषियों मुनियों का, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है जो मैंने आप तक पहुंचाया है। आपको लगा कि अगर ये जानकारी सही है, आपने इसका प्रयोग किया, आपको फायदा हुआ, तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।